और अब कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से आपको बताएं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि अगस्त के आखिर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। एक इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे के साथ बैरूनी फिनांसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। बैरूनी फिनांसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होगी। चीन ने मुख्तलिफ फार्मर पर हमारी मदद की है। चीनी वजीर खजाना से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा करूँगा। पेट्रोलियम डिवीजन के गैस हुकाम के मुताबिक IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने कैप2 पावर प्लांट्स को बंद करने का फैसला किया। पेट्रोलियम डिवीजन के गैस हुकाम के मुताबिक कैप2 पावर अगले साल जनवरी तक बंद किया जाएगा। IMF ने कैप2 पावर प्लांट्स को बंद करने की डिमांड की है। FPCCI ने कैपेसिटी चार्जेस के मामले को सुप्रीम कोर्ट और SIFC में पेश करने का फैसला कर लिया। कायम मकाम सदर FPCCI अब्दुल महीन खान का कहना है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs के फार्मेसी क्रेडिट का हुक्म दिया जाए। IPPs के साथ बिजली की खरीदारी के माहदे असर नू किए जाएं।